और फाइनली हमारा इवेंट सक्सेसफुल रहा है और अभी रात का करीबन 2:30 बज रहा है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना इजी है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि पैसा कमाना बहुत टफ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि देखिए रात के 2:30 बज रहा है, करने तो आया था सिर्फ होस्टिंग, लेकिन फिर भी गरबा ख़त्म हुआ करीबन 1 बजे। उसके बाद पूरा अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ, एक बार आप दिखा दो सभी पूरा जो हमारा गरबा था वो अब पैकअप हो गया पूरा। और इवेंट तो बहुत प्यारा था और कल से हमारा नेक्स्ट इवेंट चालू हो रहा है नवरंग गरबा पे। तो कल से मैं मिलूँगा आपको नवरंग गरबा दशहरा ग्राउंड जो कि नगर पालिका के सामने है सिवनी पे। और बहुत मज़ा आया यहाँ आके। और सर आप भी आइए, कैसा रहा बताइए? तो बहुत अच्छा था भाई साहब भी सिवनी से हैं अंकुश, और इन्होंने ही यहाँ पर गरबा का जो सिखाया हुआ था गरबा टीचर थे ये, तो बहुत अच्छा लगा आपका? बिल्कुल सर, बहुत प्यारा लगा। कैसा? बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी अच्छे थे, यहाँ का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा था और यहाँ का इवेंट तो सक्सेसफुल रहा ही अपन दोनों के बदौलत। बात तो सही है कि देखिए दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी मेरा तो स्ट्रगल ख़त्म कभी नहीं होगा लाइफ टाइम। बिल्कुल सर, क्योंकि स्ट्रगल बंदे को करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि घर पे मत बैठो, कुछ ऐसी टेक्निक सोचो कि पैसा किस जरिए से आप कमा सकते हो। सिर्फ डांस टीचर था मैं और डांस टीचर के बाद मैंने एंकरिंग सीखी, एंकरिंग सीखा तो आज मैं यहाँ डांस सिखाने नहीं आया, मैं सिर्फ होस्टिंग के लिए आया था। 3 दिन से होस्टिंग कर रहा था, होस्टिंग में पैसे कमा लिया मैंने। तो भाई ये है जरिए हैं, बहुत सारी चीज़ें टैलेंट होना चाहिए इंसान के अंदर। यदि टैलेंट है तो मैं लिख के दे रहा हूँ, भूखा नहीं मर सकता, भूखा नहीं मर सकता। यदि उसके अंदर टैलेंट है ना तो कहीं पर भी जाके कुछ ना कुछ कर सकता है। यदि कौन कहता है कि इंसान के अंदर टैलेंट नहीं है, सारे सभी के अंदर, सभी के अंदर टैलेंट है, बस खोजने की ज़रूरत है। बोलते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भाई 64 कलाएं हैं सबके पास है, कुछ ना कुछ कलाएं मेरे अंदर से जानने की देर है। बिल्कुल, पढ़ाई में जीरो था, यदि आज मेरे पास डांस नहीं होता मैं लिख के दे रहा हूँ आज मैं कुछ नहीं होता, ये बात मेरे दोस्त भी आज हम भी डांस की बजाय। बिल्कुल, आप डांस आप शुक्रवारी में इतना बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, अंबा जी के नाम से आपका ग्रुप चलता था, वहाँ से यहाँ आए, वहाँ से आए। तो भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो बहुत सारे जरिए, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि रात के 2:30 बज रहे हैं फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई 2:30 बजे हमारा इवेंट कम्प्लीट हुआ है, 1 बजे गरबा खत्म हुआ, उसके बाद पूरा गिफ्ट बांटते ये सब करते हो, 2:30 बज गए रात के। सभी में टैलेंट होता है, बस तो ढूंढने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं खाली बैठे, तो उन लोगों के लिए है कि बहुत सारा टैलेंट है आपके अंदर। यदि टैलेंट नहीं है तो आपके पास इंटेलिजेंट आप माइंड लगाओ कि भाई कैसे आप पैसे कमा सकते हैं पढ़ाई करके या अपनी किसी जॉब करके, खाली मत बैठो। सबसे पहले तो ये लड़का लड़की का मैटर क्लोज करो, खाली नहीं बैठना। अरे लड़का लड़की का मैटर सर, सारे इक्वल है। अरे नहीं नहीं नहीं, आज का पूरा टाइम उसी में है, नहीं फोन उठाया आजकल रहा है कहाँ वहाँ पर नहीं, ऐसे कुछ लोग भी हैं जो आज मेहनत कर रहे हैं और पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, मेरा सभी में टैलेंट है, अभी भी टैलेंट है। मेरा मतलब था सर कि सर आप देख रहे होंगे आज बच्चा कोचिंग जाता है, बिल्कुल कोचिंग से पहले वो फोन करता कहाँ हो निकल गए हो, फिर वो बात करते हुए पूरे कोचिंग जा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने देखो, बिल्कुल बर्बादी कर रहे हैं। हमारे टाइम 12th क्लास में जब तक मोबाइल नहीं था, हमारे पास भी नहीं था। हाँ, कॉलेज पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मेरे पास मोबाइल आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो ये निब्बा निब्बी वाला है ना हमारी लैंग्वेज में, मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खत्म, ये काम नहीं पड़ने वाला है, 4 दिन की दोस्ती बाकी सब कहानी खत्म। तो इससे अच्छा है इनसे मूव ऑन करो, निकलो यहाँ से, उससे फोकस करो टैलेंट पर, अपने पैसा कमाने किस जरिए से टैलेंट को बस पैसा कमाओ लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं है। परिवार सबसे फर्स्ट, सेकेंड दोस्त, थर्ड आप खुद, क्योंकि और पहले मैं सच बताऊं तो पहले खुद, क्योंकि खुद सही रहोगे तो दूसरों को सही रखोगे। तो भाई खुद को सही रखो, फैमिली को सही रखो, उसके बाद दोस्त यारी या गर्लफ्रेंड और ये सब बात, पैसे कमाओगे ना अंकुश भाई लाइफ में सब मिलेगा। बिल्कुल भैया, पैसे नहीं कमाए लाइफ में कुछ नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है। पैसा है तो लड़की है, पैसा नहीं है तो, और ये लड़की के लिए बोलो लड़का भी सेम वही कंडीशन पे है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसके हमको क्या था, सिर्फ पैसा, सच बता रहा हूँ कि पैसे के अलावा कुछ नहीं है लाइफ में, सिर्फ डांस था
डांस से एंकरिंग सीखी, एंकरिंग में आज पैसा कमा रहा हूँ, कमा रहा मतलब भाई नहीं, आगे आ जाते रहना चाहिए। आप फ्री डांस क्लासेस भी चला रहे हो, देखो मैं चलो मेरे को मालूम मेरे पास खुद पैसा नहीं था तब मैंने डांस सीखा, और अभी पैसे जब आ रहे हैं तो मैंने डांस क्लास फ्री कर दिया कि चलो डांस क्लास फ्री करो, एकदम लिमिटेड बच्चों के लिए, ऐसे नहीं कि सभी के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट है पूरा पैसा दो, गरीब घर के हो मत दो, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी नहीं है पापा नहीं है, भाई हम सिखाएंगे, हम आपको आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन आप टैलेंट ना टैलेंट आप निकालो कि दिखाओ हमको कि हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फ्री है तो सब हो गया। दूसरी चीज़ एक और हमको भाई कि देखो डांस से एंकरिंग सीख लिया, बिल्कुल एंकरिंग से फिर हमने होस्टिंग सीख लिया, पूरा होस्ट कर रहे हैं अब, उसके बाद फिर हमने एक अपना बिजनेस चालू किया टिफिन सेंटर, कोविड के टाइम पे ये जब देखिए खाली बैठे थे डांस क्लास में बच्चे नहीं आ सकते थे, टिफिन सेंटर चालू किया, आज टिफिन सेंटर मम्मी के नाम पे चालू किया, बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद हमने एक और काम चालू कर दिया प्रॉपर्टी डीलिंग का, वो काम भी अच्छा चल रहा है। देखो मेहनत करोगे ऊपर वाला साथ देगा, मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, शुरू से मेहनत करना, बिल्कुल आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जरिए निकालो कि आप क्या क्या कर सकते हो, भाई मैं क्या था, कुछ नहीं था, पढ़ाई में तो जीरो था भाई, चीटिंग करके पास हुआ साफ बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीटिंग सभी करते हैं फिर भी, लेकिन लाइफ में बहुत सारी चीजें उनको इसलिए मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ते रहो, सिर्फ फोकस करो एक टारगेट पर। द सीक्रेट बुक पढ़ो, उसमें आपको ये दिखा है जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत प्यारी बुक, आप भी पढ़ो, मैंने पढ़ी, मैंने उसके बाद फॉलो किया कि बाकी में यार ये बहुत काम करती है, और ये बुक कुछ नहीं, वो आपके अंदर ही बुक है, आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। मैंने सोचा था कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना, मैंने टिफिन सेंटर के बारे में सोचा चालू कर दिया, मैंने सोचा था मेरी एक अच्छी डांस क्लास होगी, मैंने वो बनाई, धीरे धीरे उसमें चीजें बढ़ती गई, वो डांस क्लास बन गई। मैंने सोचा कि मेरे को एंकरिंग करनी चाहिए, होस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि एंकर का इंतजार करना पड़ता था, इम्पोर्टेंट नहीं है, मेहनत करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। मैं सोचता था कि एंकर कब आएगा, कब कार्यक्रम चालू होगा, और खुद एंकर है, टाइम के पहले इवेंट चालू होता, टाइम के पहले खत्म होता, सब खुश होते हैं, सब एंजॉय कर पाते। आपने सोचा नहीं? नहीं सोचा, सिर्फ किया, किया सोचा, किया सोचा, किया बस यही है। उसके देखो और बिजनेस चालू किया, किया भाई आजकल बच्चों की मेंटेलिटी ये है कि वो सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं है, बस सोचते हैं करते कुछ नहीं है, और टाइम को बात करते हैं। मैंने टाइम को करना चाहिए, अंकुर से मैं लियर बता रहा हूँ, मैंने क्या पकड़ा, टाइम को, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। आपके पास 24 घंटे हैं, आप 4 घंटे सोने के निकालो, लोग कहते हैं 6 घंटे, मैं कहता हूँ 4 घंटे की नींद भी सफिशिएंट, लेकिन फिर भी शरीर की सेहत के लिए 8 घंटे की नींद सफिशिएंट, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए 6 घंटे की नींद सफिशिएंट, बिल्कुल। और बाकी पूरे टाइम आप सुबह उठो एक्सरसाइज करो, तुरंत अपने काम में निकल जाओ, और पूरे दिन खाना पीना अच्छे से खाओ, फिर शाम को पूरा पूरा मतलब सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करो यार, एक टाइम इतना पैसा आ जाएगा ना, फिर लाइफ में इंजॉय करो, बिल्कुल कमाओ भी इंजॉय भी करो, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ कमाओ, लेकिन कमा तो लो पहले, इंजॉय तो तभी करो। अभी लोग क्या करते हैं, आजकल लड़कों का सबसे बेस्ट नाश्ता क्या पता, सुट्टा एंड चाय, सुबह का नाश्ता पोहा नहीं चाहिए, आलू बंडे नहीं चाहिए, सुट्टा एंड चाय मिल जाए, उनका सुकून मिला। देखो मेरा ये कहने को जनरेशन ना, मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं भाई टिफिन सेंटर खोलूंगा, नहीं मैंने बस खोल दिया, मैंने सोचा, मैंने फॉलो किया, मैं चालू कर दिया। आजकल की जनरेशन उसके बाद बता रहा हूँ, मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग के वाले नहीं सोचा, मैंने सोचा यार कुछ और भी अपन को करना चाहिए, खुद का प्लॉट खरीदने के लिए 2 साल लगा डाले, तब समझ में आया कि यार प्रॉपर्टी डीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इसमें आगे जमीन के काम में काम है। अब देखो खुद का चालू हो गया प्रॉपर्टी डीलिंग, बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है। उसके बाद सोचा और भी कुछ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा मिनी ये क्यूज करके एक बैंक चलता है, जो लोगों को 5 समूह करके लोगों को पैसा देगा, हमने वो भी चालू कर दिया, हम आजकल लोन वाला फाइनेंस भी चालू कर दिया, मैंने सुना इसके बारे में। हाँ, तो हमने वो काम भी चालू कर दिया, मैंने चलो सही, एक और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अभी बहुत 1 हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगा, वो है अमेजॉन इजी केयर फ्रेंचाइजी, अमेजॉन की इतनी बड़ी कंपनी है जो इसकी फ्रेंचाइजी हमने ले लिया, छोटी सी मिनी केयर होगा स्विमिंग पहला 1 हफ्ते में। तो भाई मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि टाइम टेबल बनाओ अपना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है सिर्फ पढ़ाई में फोकस करो, मम्मी पापा का पैसा फिजूल खर्चा मत करो, मैं रियल बोल रहा हूँ, बहुत तकलीफ है इसमें, गलती सिर्फ मम्मी पापा की है। क्यों बिल्कुल क्यों दिलवाया अपने बच्चों को मोबाइल, और बच्चों को मोबाइल दिलवाओ तो इतना हक रखो कि आप चेक कर पाओ, आजकल अपने पेरेंट्स जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल चेक नहीं कर सकते, यदि चेक कर लेना 99% बोल रहा हूँ कि बच्चे गलत डायरेक्शन में सुबह कोचिंग स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद एक बिल्कुल रिपोर्ट लेनी चाहिए, क्या पढ़ा गया डेली रिपोर्ट, कोचिंग जा रहे हैं कोचिंग कैसे, घर से तो निकल गए पेरेंट्स को बता के, लेकिन क्या गारंटी है वो कोचिंग जा रहे हैं। इफ आप रिपोर्ट लेते हैं डेली रिपोर्ट, फोन मैंने देखा है, फोन लगाते हैं स्कूटी चालू करते हैं, हाँ पहुंच गए वो बात चल रही है, और कोचिंग क्लास के 10 मिनट बाद आप कोचिंग के अंदर जा रहे हैं। बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं है, बच्चे तो पहले भी बच्चे ही थे, सीधा अभी भी बच्चे थे, पेरेंट्स की गलती, क्यों पेरेंट्स की गलती है, मैं तो कहूंगा माहौल की गलती है, बच्चों को ढलना नहीं चाहिए, एटमॉस्फेयर जैसा रहेगा सब वैसे ही रहेगा। यदि मेरा बच्चा है, बिल्कुल सर, मेरे घर में यदि इंग्लिश चलेगी तो बच्चे इंग्लिश बोले, बिल्कुल, लेकिन यदि मैं डिसिप्लिन में अपने बच्चे को रखूंगा कि इतने घंटे आधे घंटे मोबाइल चलाना मतलब चलाना, मेंटर होना बहुत जरूरी है, इतने घंटे पढ़ना मतलब पढ़ना, वही कह रहा हूं बच्चा सक्सेस, मेंटर होना बहुत जरूरी है,
कोई आज के टाइम में जो लोग कहते हैं ना पैसा कमाना बहुत कठिन है, बिल्कुल इजी यार, मैं साफ बोल रहा हूँ। बस सोचो तो कि जरिए तो निकालो कि कैसे कमा सकते हो। अपन बैटिंग प्लानिंग कर रहे हैं, मैं कोई खर्चा नहीं करता, मेरे को मालूम है लोग आजकल इजी काम करना चाहते हैं। पहले के टाइम पे जब मेरी मम्मी पापा की शादी हुई होगी एग्जांपल में, तो टेंट वाला खुद ने करे होंगे, ये सब ने किए, चेयर ये वो, मतलब जितने भी शादियों का काम होता खुद ने करे हो। लेकिन आज क्या होता है, एग्जांपल मेरे दोस्त की शादी है, वो क्या बोलेगा, राहुल तू इवेंट का काम करता, तू ले ले, क्या दे देगा, 10 लाख का पैकेज देगा, सब काम लेगा, मैं कितना बचाऊंगा। हो गया,